नमस्कार भाई। तो कैसे हैं? आपसे आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे भाई, बढ़िया होंगे। तो भाई, आज का मेरा वीडियो, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इंडियन यूट्यूबर इस केस के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। इस जो इशू हुआ है पाकिस्तान में, इसके ऊपर वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं? क्या उन्हें होश नहीं है? और उन्हें होश इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो हमारे ऊपर बना देते हैं। हमारे देश में कोई सा भी इशू होता है, वो तो हमारे ऊपर वीडियो बना लेते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान में कोई इशू होता है जिसको हम कैप्चर कर सकते हैं, जिसको हम लेके चल सकते हैं, जिसको हम पाकिस्तान को नीचा दिखा सकते हैं, या फिर पाकिस्तान को नहीं तो उसकी आर्मी को नीचा दिखा सकते हैं, तो उसके ऊपर इंडियन यूट्यूबर वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं? तो भाई, एक वाक्य पेश आया है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि इंडियन यूट्यूबर वीडियो बनाएं, पहले देखें उस वो इशू क्या है, फिर उसके ऊपर वीडियो बनाएं। तो भाई, एक वाक्य पेश आया है। 24 मई को पाकिस्तान में PTM माँ की एक पार्टी है जो पश्तूनों की है, और जिनके साथ ये पाकिस्तानी फ़ौज अत्याचार करती है। सीधी सी बात है, पाकिस्तानी फ़ौज में सिर्फ पंजाब के लोग ही वो अच्छे माने जाते हैं, जो कि कराची वराची में आता है पंजाब शायद, तो पूरा एक सूबा है। तो लेकिन सिंध और जो बलूचिस्तान के साथ या वजीरिस्तान के साथ अत्याचार होता है। तो भाई, एक वाक्य पेश आया 24 मई को PTM द्वारा। PTM के जिन ये कमांडर हैं, मतलब PTM के हेड हैं मौसम डावर और अली वज़ीर, ये आप जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये उनके उनकी है जिन्होंने फ़ौज पे हमला किया है, जिनके लोगों ने, इन जो हमारे भाई हैं ये मौसम डावर और अली वज़ीर हमारे भाई हैं, तो इन्होंने वहाँ की आर्मी पे हमला किया है। वो किस लिए किया है? क्योंकि ये जो आर्मी थी, ये वहाँ पे इनको इनके साथ बहुत बुरा अत्याचार कर रही थी, इनकी बहनों माँ को उठा के ले जा रही थी, और ये बिल्कुल सही हमला किया है। मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैंने पहले भी कही है कि मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन वहाँ की जो आर्मी है, वहाँ के जो सियासतदान है, मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ। वहाँ के लोग अच्छे हैं, मैंने पहले भी कही है, पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं, और पश्तूनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, पश्तूनों का ही पाकिस्तान है और किसी का नहीं है। तो भाइयों, यही मेरा वो है। और इन्होंने आर्मी पे हमला किया वजीरिस्तान में। हर कमर चेक पोस्ट है, हर कमर माँ वहाँ पे इन्होंने आर्मी पे हमला किया, और बहुत बढ़िया हमला किया, क्योंकि वो इनकी माँ बहनों को उठा के ले गई थी वहाँ पे, और उनके साथ गलत काम कर रही थी। 5 फौजी जख्मी हुए हैं, एक फौजी शायद हलाल हुआ है, मरा है। इसमें से फिर मौसम डावर तो भाग गया है और अली वज़ीर गिरफ्तार है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं जो अपोजिशन पार्टी है पाकिस्तान की, जैसे कि बिलावल भुट्टो, इमरान खान तो खैर भिखारी है, वो भीख मांगता है, लेकिन जो बिलावल भुट्टो है उसने समर्थन किया है PTM का। तो भाई, हम इससे कहते हैं कि ये जो अली वज़ीर गिरफ़्तार हुआ है और मौसम डावर तो वो तो फरार हो गए हैं, चलो बढ़िया है, बच गए, लेकिन अली वज़ीर जो गिरफ़्तार हुआ है, इसको जल्दी से जल्दी छुड़ाएं और इनको सहूलियत प्रदान करें। जो ये हमला हुआ किया है मौसम डावर और अली वज़ीर जुमा के हेड थे, उनने करवाया है, मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत ही बढ़िया, क्योंकि वो उनकी बहनों को, माओ को उठा के ले गए थे, और बहुत ही बढ़िया ने काम किया है। भाइयों, पाकिस्तान में एक और तहरीक चल रही है MQM, उस पर भी मेरी नज़र है, वो बहुत अच्छी तहरीक है। वो पाकिस्तान का जो उसका हेड है MQM की, अल्ताफ़ हुसैन, डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन, वो तो लंदन में रह रहे हैं, क्योंकि इन जो पाकिस्तान के कुत्ते आर्मी हैं, ISI है, इन्होंने उनको छोड़ा नहीं। लेकिन भाइयों, वो लंदन से भी अपनी तहरीक चला रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इंडियन यूट्यूबर उन पर क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनकी हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी चीज़ को बचा रहे हैं, वो हम पे हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो यूट्यूबर हैं, हमारी अंदरूनी चीज़ों को ले लेकर, क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, और छोटी छोटी बात को वो देख लेते हैं। लेकिन हम क्यों ने हमने क्या कर रखा है? हमने कुछ नहीं कर रखा है, हम सिर्फ उनका एक जवाब देते रहते हैं। क्यों ना हम भी अपने उनके न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें, और फिर उनकी छोटी छोटी बातों को पकड़ कर कैप्चर करें, और फिर उन्हें हम असलियत इंडिया के सामने लाएं। ये असलियत इंडिया के सामने आ ही नहीं पाती है। किसी देश की पूरी आधी आवाम, 70% आवाम आर्मी के खिलाफ बोल रही है, हम उसको क्यों नहीं दिखा रहे हैं? पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ बोल रही है, हम उसको क्यों नहीं दिखा रहे हैं? और ये इंडियन मीडिया में भी आनी चाहिए, सब जगह फैलनी चाहिए बात, क्योंकि ये एक पाकिस्तान की जो अच्छे लोग हैं, ये उनकी वो है। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में MQM PTM की सरकार बने, ये जो ये भिखारी है इमरान खान, इसकी सरकार ना बने, ताकि
आपका जो पाकिस्तान है वो अच्छा हो सके, उसमें टेररिज्म ख़त्म हो सके, हाफिज़ सईद मर सके, मसूद अजहर मर सके, और आर्मी बिल्कुल बदल दी जाए, माकी आर्मी बिल्कुल बदल दी जाए, कोई पाकिस्तान में जो पंजाबियों की आर्मी है उसको हटा के पूरे पाकिस्तान से आर्मी ले जाए, और अच्छे लोगों की जो कि इंडिया के साथ ताकि बढ़िया ताल्लुकात हों और बेहतर हों। और कश्मीर तो हिंदुस्तान का था, है और रहेगा, ठीक है। और मैं कहना चाहता हूँ अपोजिशन पार्टी जो विपक्ष की पार्टियाँ हैं बैठी हुई हैं उनसे कि आप इन जो हमारे कौन है ये अली वजीर जो गिरफ़्तार हुए हैं उनको आप आज़ाद करवाएं। वहाँ की आर्मी अब उनके साथ अत्याचार करेगी, उनकी बहनों को उठाएगी, उनकी माँ को उठाएगी, अब पश्तूनों के ख़ानदान कवालियाँ हैं उनके साथ और अत्याचार होगा और वो और खड़े होंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि ज़रूर पाकिस्तान से बलूचिस्तान आज़ाद होगा, सिंध आज़ाद होगा, और ये बजीरिस्तान सब आज़ाद होंगे। तो भाइयों मैं चलता हूँ, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस बात को फैलाएं इंडियन यूट्यूबर। भारत माता की जय, वंदे मातरम।